तो नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन एंड हेल्थ टिप्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। सबसे पहले मेरे भाई बहनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और हमारे चैनल पर बने रहिए। अब सामग्री जान लेते हैं। ये देखिए, चने का आटा जो हमने घर पर पीस कर तैयार किया है, और ये जौ का आटा, और ये गेहूं का आटा। गेहूं का आटा तो आमतौर पर घर पे मिल ही जाता है। और ये देखिए, सोयाबीन का आटा जो हमने मिक्सी में पीस करके रखा हुआ। आप चाहे तो बाजार से पीसा पसा लेकर आइए, अगर नहीं तो आप घर पर पीसिए, क्योंकि बाजार से लाते हैं उसमें मिलावट होती है, पता नहीं असली है कि नकली। इसलिए हमने पहले वीडियो डाली है, आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें हमने आटा तैयार करने की विधि बताई है। और ये देखिए, और कितनी मात्रा लेनी है ये भी बताते हैं। और मिस्सी रोटी हर एक व्यक्ति को खाने में क्यों नहीं टेस्ट लगती, क्योंकि क्या होता है, आटे की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आटा माप तोल कर ही डालिए और मिस्सी रोटी बनाइए। और ये नमक और ये पानी, पानी के हाथ की रोटी बनाते हैं और कितनी आसानी से बन जाती है। देखिए, अब सामग्री ले लेते हैं, कितनी कितनी लेनी है। और ये देखिए, बेसन जो चने का आटा 2 चम्मच लेने हैं, और ये जौ का आटा इसका 1 चम्मच लेना है, और ये गेहूं का आटा इसके 4 चम्मच लेने हैं। ये देखिए, इसके 4 चम्मच लेने हैं। और ये सोयाबीन का आटा, और 2 चम्मच सोयाबीन का आटा डालना है। 1 चुटकी नमक डालते हैं, ये देखिए 1 छोटा चम्मच, आधा डाल लेते हैं, स्वाद के हिसाब से डाल लेते हैं नमक। इसको मिक्स करते हैं, अब आटा गूंद लेते हैं अच्छे से। मिक्स करने के बाद अगर आप ऐसे रोटी बनाते हैं वो तो खाने में स्वादिष्ट होगी और प्रोटीन से भरपूर होती है, क्योंकि बेसन भी प्रोटीन से भरपूर होता है, सोयाबीन भी। और जौ का आटा 1 ही चम्मच डालना है, अगर ज़्यादा डालते हैं तो आपको रोटी शायद अच्छी ना लगे, इसलिए जौ का आटा 1 ही चम्मच डालना है। अब इसमें पानी डालते हैं और आटा अच्छे से गूंद लेते हैं। और पानी के हाथ की रोटी शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, आटा गूंद लेते हैं अच्छे से। और शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, सैर जरूर करें और पानी अधिक से अधिक पिए। सैर करेंगे 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम को। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर की नसों को साफ करता है। और जी हाँ, अगर आप पानी अधिक से अधिक पीते हैं तो ये हमारे शरीर की धमनियों को साफ करता है और विषैले पदार्थ बाहर निकालता है, और इसलिए पानी अधिक से अधिक पीजिए। और आप सैर जरूर कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए आपने सैर शुरू की या नहीं, जरूर बताइए। और ये देखिए, हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम रोटी तैयार करते हैं, पानी के हाथ की रोटी। अब सबसे पहले गैस ऑन करते हैं और गैस पर तवा रखते हैं। अब रोटी तैयार करते हैं पानी के हाथ की। पहले गोली बना लेते हैं ऐसी, ये देखिए ऐसी गोली बना लेते हैं। उसका सूखा आटा नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं। और ये देखिए, इसको हाथ के साथ ही बड़ा करना है ऐसे। सूखा आटा नहीं लगाना, पानी लगाना है, ये देखिए ऐसे दोनों तरफ पानी लगाना है, तभी ये पानी के हाथ की रोटी बनती है। अब इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे। और ये देखिए, ऐसे ही इसको बड़ा करना है ऐसे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी लगाइए दोनों तरफ, और ऐसे। और अगर आपको लगता है कि हमारी रोटी गोल नहीं बनती, ये देखिए, ये देखिए ऐसे, अगर आपको लगता है कि गोल नहीं बनती
तो क्या करना, ऐसे एक बर्तन लीजिए और इसको इसके बीच में ऐसे रख दीजिए ऐसे, और फिर देखना मिस्सी रोटी गोल भी बनेगी और देखने में भी एकदम गोल, बिल्कुल गोल। ये देखिए अब इसको तवे पर डालिए, अब इसको सिकने देते हैं, तब तक दूसरी रोटी तैयार करते हैं। ये देखिए ऐसे ही दूसरी रोटी तैयार करनी है ऐसे। इसको पानी का हाथ लगाते हैं, ये देखिए ऐसे, और ऐसे ही इसको बड़ा करना। और ये देखिए दूसरी रोटी भी ऐसे ही बड़ी हो चुकी है। अब इसको डाल देते हैं, अब इस रोटी को पलटते हैं जो हमने पहले तवे पर डाली है। ये देखिए इसको पलट देते हैं, और अब इसको निकालते हैं। देखिए ऐसे अब इसको सेकते हैं, ऐसे गैस पर डालते हैं, और देखना खाने में तो स्वादिष्ट है ही, और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। और ये बहुत ही प्रोटीन से भरपूर है, इसमें पूरा प्रोटीन है। देखिए ऐसे इसको अच्छे से सेक लेते हैं, और ये देखिए हमारी रोटी सीखने के बाद एकदम तैयार है। तवा रखते हैं, दूसरी रोटी तैयार करते हैं। और देखिए दूसरी रोटी को भी ऐसी गोल करना है ऐसी, क्योंकि कई बहनों से एकदम गोल रोटी मिस्सी नहीं बनती, इसलिए ऐसे ऐसे बनाना, बिल्कुल आसान तरीका। ये देखिए अब इसको भी तवे पर डाल देते हैं, अब इसको भी सिकने देते हैं, अब इसको पलट देते हैं चिमटे के साथ। और ऐसे ही सारी रोटी बना लेते हैं। देखिए हमारी दूसरी रोटी भी बिल्कुल तैयार है। अब इसको गैस पर सेकते हैं ऐसे, ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और देखिए एक बार विनती फिर से करती हूँ, मेरे शुगर वाले भाई बहन सैर जरूर कीजिए, और पानी अधिक से अधिक जितना भी हो सके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। और ऐसे ही सारी सेक लेते हैं जितनी आप बनाना चाहें। और ये देखिए हमारी मिस्सी रोटी बिल्कुल तैयार है, पानी के हाथ की रोटी जो हमारे शुगर वालों भाई बहनों के लिए एक पौष्टिक आहार है। और देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दोस्तों।